हमने पहले इसे आई माना और कॉस 2x को ऐसे बदला कि हमारा यानी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ जाए, जिससे कुछ सरल हो जाए। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस 2x का फॉर्मूला होता है, वर्गांतर का सूत्र लगा दिया है, एक कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कट जाएगा, कुल मिलाकर के कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बचेगा। हम यहाँ से कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स कर लेंगे। अब इसको टी मान लेते हैं। माना कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर टी, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और ये कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी माइनस वार यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। तो यहाँ से आई आएगा माइनस, ये तो डी टी में चला जाएगा, वन बटे टी आएगा और डी टी आई बराबर माइनस लॉग ऑफ टी प्लस सी माइनस लॉग टी का मान हम रख देंगे। हमने माना कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर है।